देखो आज मार्केट में एसयूवी कारों का इतना दबदबा है और आज मार्केट की हर टॉप ऑटोमोबाइल्स कंपनी मिड वर्ग की पहुंच के बजट के अंदर अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ला चुकी है। बल्कि आज तो मार्केट में कुछ हैचबैक गाड़ियों के प्राइस ज़्यादा हैं और कॉम्पैक्ट एसयूवी कम प्राइस में भी मिल जाती हैं। और कॉम्पैक्ट एसयूवी में न केवल एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलता है, न केवल एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है ऑल रोड कंडीशंस के लिए, और 6 to 7 लाख और 7 to 8 लाख के मिड फैमिली बजट के अंदर एसयूवी अवेलेबल हो तो एक बार अपनी चॉइस की गाड़ी से भी उसे कंपेयर कर लेना चाहिए और फाइनली डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी गाड़ी ऑल टाइम के लिए बेस्ट होने वाली है। और आप में से भी बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर होंगे फाइनली जिन्होंने एंड टाइम पर अपने डिसीजन को चेंज करके हैचबैक की जगह कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी परचेज की हो और आज वो अपनी चॉइस पर जरूर खुश भी होंगे। और अगर आपने भी एंड टाइम पर अपने डिसीजन को चेंज करके किसी अदर सेगमेंट की गाड़ी को परचेज किया है तो वो कौन सी गाड़ी है कमेंट्स में अवश्य लिखिए, और उसके रीजन क्या रहे हैं कि अब फाइनली आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। सेम इस बजट सेगमेंट में बात करें टॉप बेस्ट कॉम्पैक्ट गाड़ियों की, फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं उन टॉप अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियों की जो करंट अवेलेबल गाड़ियों से भी बेटर चॉइस हो सकती हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल टॉप मोस्ट पॉपुलर गाड़ियों में से भी आप अपने लिए फाइनली सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में भी वीडियो में चर्चा करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों की जो सेम बजट सेगमेंट में काफ़ी बेटर ऑप्शंस होने वाली हैं। ऑल न्यू अपकमिंग गाड़ियाँ, इनमें फर्स्ट है एमजी मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी जिसका प्राइस एंटी लेवल बजट से स्टार्ट होने वाला है। 1.5 लीटर का पावरफुल इंजन होगा जो 110 BHP की पावर और 140 Nm का टॉर्क देगा, और ये इंजन मारुति स्विफ्ट और हुंडई i20 से भी बेटर होने वाला है और 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस होगी। और इसके अलावा ये गाड़ी 10.4 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार गेन करने वाली है। टॉप स्पीड भी 108 km/h तक है और फर्स्ट टाइम आप देख पाएंगे एमजी मोटर्स के प्रोफाइल में एक एंट्री लेवल की गाड़ी, बाकी एमजी की एडवांस गाड़ियों की तरह इसमें भी आपको हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। और भारत में लॉन्च होने वाली एमजी मोटर्स की एक ग्लोबल कार जिसका थर्ड जनरेशन यहाँ पर पेश किया जाएगा, और ये कार स्मॉल होने के साथ साथ फ्यूल एफिशिएंट भी होगी और इसकी कीमत भी केवल 6 to 7 लाख से स्टार्ट होगी। इसका लुक और बॉडी काफ़ी लग्जरी टाइप का होगा और इसमें इनबिल्ट एमजी की गाड़ियों की तरह इंटरनेट की फैसिलिटी भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर कस्टमर के लिए एक न्यू विकल्प तो मिलने ही वाला है ताकि कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट गाड़ी को सेलेक्ट कर पाए। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है किया मोटर्स का, काफ़ी दमदार लॉन्च होने वाला है क्योंकि ये किया की अब तक की अपने प्रोफाइल की सबसे सस्ती एसयूवी होगी और ये सीधे सीधे टाटा पंच और हुंडई की एक्स्टर को टक्कर देने वाली है। बाकी बात करें पावर की तो पावर लेवल पर काफ़ी शानदार ऑप्शंस मिलने वाला है। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल, और इसमें किया की बाकी एसयूवी की तरह कई ट्रांसमिशंस विकल्प होने वाले हैं, यानी किया मोटर्स की लग्जरी गाड़ियों की तरह या पावरफुल सेल्टोस की तरह ही काफ़ी सारे आपको ट्रांसमिशंस के विकल्प मिलने वाले हैं। और बाकी शानदार फीचर्स में है फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, रियर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा और एरास के सेफ्टी फीचर्स। और साथ ही इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा क्योंकि इसमें ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट की गाड़ी में, जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट यूनिट शामिल की जाएगी। और इसमें मिलने वाला है हाई ग्राउंड क्लियरेंस, LED लाइटिंग, LED DRLs, और साथ ही इसमें ड्यूल टोन एलॉय व्हील प्लस टाइप के डोर हैंडल होंगे और एल आकार के LED टेल लैम्प, थोड़ा नीचे प्लेस किए गए ब्रेक लाइट भी मिलेंगे। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी शानदार कंपनी की अन्य एसयूवी की तरह ही होने वाला है, और इसमें एग्रेसिव साइड बॉडी क्लैडिंग, बोल्ड दिखाई देने वाले बम्पर के साथ में चौड़े एयर इंटेक दिए जाएंगे, और इसमें कनेक्टेड लाइट बार के साथ में LED हेडलैम्प भी देखने को मिलने वाला है। और अन्य फीचर्स में स्टैंडर्ड रूप से 6 एयरबैग यानी हर वेरियंट में मिलने वाले हैं, रियर डिस्क ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा, एडास के सेफ्टी फीचर्स, हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इस कार के हेडलैम्प और टेल लैम्प में LED लाइटिंग, LED DRLs, और साइज़ के मामले में बेशक आपको ये हुंडई एक्स्टर के सेम ही नज़र आने वाली है। कई सारे ड्राइविंग मोड्स भी इसमें होंगे, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन मोड्स और लेदर सीट्स मिलने वाली हैं।
और किया की इस कॉम्पैक्ट गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स हैं। और बात करें कंफर्ट के आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो कार में आपको पैनारोमिक सनरूफ भी मिलने वाला है, साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीटें ऑल वेदर कंडीशन के लिए, आज का मस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी आप कह सकते हैं। और कार में 16 इंच के डायमंड कट के एलॉय व्हील मिलने वाले हैं, और पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों ही पावर ट्रेन में इसे लॉन्च किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस एसयूवी को हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ भी लाया जाएगा, और इसके सभी मॉडल फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक काफ़ी शानदार ऑप्शंस किया मोटर्स की तरफ से भी मिलने वाला है, क्योंकि फिलहाल किया मोटर्स के पास में एंट्री लेवल में यानी कि एक्स्ट्रा और पंच जैसी कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स द्वारा स्टार्ट किए गए इस न्यू सेगमेंट के बाद कस्टमर के लिए मिड बजट में काफ़ी सारे शानदार ऑप्शंस आ चुके हैं, जहाँ पर सेफ्टी तो बेशक टाटा मोटर्स ने प्रायोरिटी पर रखी है, बाकी आपको सारे एडवांस फीचर जो कि एसयूवी में मिला करते हैं अब 6 to 6.50 लाख तक के बजट की गाड़ियों में मिलने लगे हैं। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है खास तौर से मिड बजट के कस्टमर के लिए। जो अभी भी न्यू गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो हमेशा हैचबैक गाड़ियों को देखा करते हैं, जबकि इस प्राइस सेगमेंट में मार्केट में एक से बढ़कर एक दमदार ऑप्शंस हैं। और ऐसे चार बेस्ट ऑप्शंस फाइनली आपके साथ शेयर कर देते हैं, जो न केवल प्राइस लेवल पर आपके लिए अफोर्डेबल होने वाले हैं, बाकी कंफर्ट लेवल पर, फीचर्स लेवल पर, पावर लेवल पर भी बेस्ट हैं। इसमें फर्स्ट है आपकी नेचुरली टाटा पंच 5-स्टार रेटिंग के साथ में, 6.13 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और बात करें इसके इंजन पावर की, तो 1.2 लीटर के पावरफुल इंजन से 86.63 bhp की पावर मिलती है, 115 Nm का टॉर्क मिलता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हुंडई एक्स्टर, और इसका प्राइस भी सेम टू सेम कंपटीशन में टाटा पंच के प्राइस से यानी 6.13 लाख से स्टार्ट होता है, और इसके इंजन पावर में 1.2 लीटर का कापा इंजन मिलता है, और साथ में इसमें 81.80 bhp की पावर, 113 Nm का टॉर्क मिलता है। तो थर्ड ऑप्शंस भी है काफी शानदार, निशान इंडिया की निशान मैग्नाइट XE वेरिएंट, 6 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और बात करें इसके इंजन पावर की, तो 1 लीटर का इंजन मिलता है, हालांकि ये गाड़ी 4-स्टार की शानदार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और इसमें 1 लीटर का इंजन मिलता है, 71.0 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क मिलता है। तो फोर्थ ऑप्शन है रेनो इंडिया की काइगर RXE वेरिएंट, और इसका प्राइस स्टार्ट होता है केवल 6 लाख से। और बात करें इसके इंजन पावर की, तो 1 लीटर का इसमें इंजन मिलता है, और साथ में 71.01 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क, यानी सेम टू सेम मैग्नाइट का आपको इसमें इंजन पावर मिलती है। तो ये हैं वो टॉप बेस्ट गाड़ियां जो आपको सेम टू सेम एंटी लेवल बजट में यानी फैमिली बजट में बिल्कुल मार्केट की हैचबैक गाड़ियों के प्राइस सेगमेंट में मिल जाती हैं। बाकी इनमें ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो, कंफर्ट की बात हो, स्पेस की बात हो, या फिर फीचर्स की बात हो, सभी आपको टॉप मिलते हैं। तो चाहे ऑल न्यू अपकमिंग ये गाड़ियां हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट की गई है, फिलहाल मार्केट में अवेलेबल ये टॉप मोस्ट चॉइस वाली गाड़ियां, आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट करके अपने लिए बेस्ट फिट गाड़ी को परचेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट और नीड पर। और फिर चाहे मार्केट में लॉन्च होने वाली ऑल न्यू अपकमिंग गाड़ियां हो या फिलहाल में अवेलेबल गाड़ियां, सभी को डिटेल्स वॉक अराउंड वीडियो आपके लिए चैनल पर शेयर किए जाते हैं। ऑल लेटेस्ट न्यूज़ ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की डेली आपके साथ अपडेट की जाती हैं, और साथ ही आप अपनी सभी इंपॉर्टेंट क्वेरी का चैनल से एक्टिवली 24 hours में आंसर ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट आप हमसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल में भी यूज़ कर रहे हैं किसी ब्रांड की कार और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, साथ ही कमेंट्स में भी अपने डिटेल्स एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑटोमोबाइल वर्ल्ड्स की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ।